हेलो फ्रेंड्स, आज हम थैंकफुल ट्री बनाएंगे पेपर क्राफ्ट। जो मटेरियल यूज होगा वो हम देख लेते हैं। पहले डार्क ब्लू, येलो, लाइट ग्रीन, ऑरेंज, डार्क येलो और लाइट ब्राउन कलर, सीजर, फेविकॉल, ब्लैक स्केच पेन, ये सारे मटेरियल से हम थैंकफुल ट्री बनाएंगे। सबसे पहले ब्राउन कलर का पेपर लेंगे, उसमें ट्री ड्रॉ कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट ट्री का, और सीजर की मदद से हम उसको कटिंग कर लेंगे। हमारा ट्री कटिंग हो चुका है। उसके बेस के लिए हम ब्लू कलर का पेपर या वाइट कलर का पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा है, वाइट कलर का A3 साइज का पेपर, उसके ऊपर हम कर लेंगे। सबसे पहले जो हमें हैंड चाहिए, हैंड का प्रिंट, वो हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे, बाद में उसको कटिंग कर लेंगे। हमने छोटे चिल्ड्रन किड्स के हैंड्स का कटिंग किया है ताकि हमारा जो ट्री बने वो बड़ा ना हो, साइज छोटी है और अच्छा दिखे। बाद में इसके कॉपी कर लेना है हमें ऐसे पेपर नीचे, एक साथ हम दो तीन पेपर कटिंग कर सकते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लेना है हमें ताकि हमारा जो हैंड का जो प्रिंट है वो सेम आए। दो पेपर है, हम कटिंग कर लेंगे उसको। जितने भी कलर है मैंने टू कलर्स लिए हैं, टू हैंड्स एक कलर का। हमारे हैंड्स कटिंग हो चुके हैं, टोटल 4 कलर है और एक कलर के 2 हैंड्स है, तो टोटल हमारे 8 हैंड्स होते हैं। पंजे डार्क ब्लू कलर, वो नीचे डार्क ब्लू कलर का जो पेपर है वो हम नीचे पेस्टिंग करेंगे और उसके ऊपर ट्री पेस्ट करेंगे हम, जो कटिंग किया है हमने ट्री के नीचे वाला पार्ट। अच्छे से ग्लू लगा के, फेविकोल लगा के पेस्ट कर लेंगे हम बीचों बीच। उसके बाद हमने जो थैंकफुल हैंड्स कटिंग किया है वो पंजे, वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। जो कलर नीचे आएगा वो उसको हम पहले पेस्ट कर लेंगे, बाद में जो कलर ऊपर आपको रखना है वो आप ऊपर रख सकते हैं, वो बाद में चिपकाना है आपको। आप थोड़ा अलग भी कर सकते हैं, उसकी जगह वाइट पेपर की जगह लाइट ब्लू कलर का पेपर या ब्लैक कलर का पेपर है तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, पूरा ट्री बाहर गेटअप उसका बाहर आ जाएगा। क्योंकि सभी यहाँ पे जो ट्री के ऊपर जो हैंड्स है वो लाइट कलर के है और नीचे डार्क होगा, होता तो अच्छे से बाहर आता। तो आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर का पेपर का यूज कर सकते हैं बेस के लिए। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अभी ट्री के नीचे हम घास बनाएंगे, उसको अच्छे से फोल्ड करके ऐसे ड्रॉ कर लेना है छोटी बड़ी, बाद में उसको कटिंग कर लेंगे। उसे फोल्ड करने से हमारा काम आधा हो जाता है। अभी
हमारी घास कटिंग हो चुकी है, हम पेस्ट कर लेंगे उसको। अभी ब्लैक स्केच पेन से हम ट्री के अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो रियल ट्री के अंदर आता है ऐसा हम बनाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।